इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत 30 अप्रैल को सेंधमारी की घटना सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया व उनसे 2,37,170 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी राहुल भगत ये अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए 3 अप्रैल को घर को लॉक लगा कर गए थे। 30 अप्रैल को फिरियादी की पड़ोसी ने उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजता देख उन्हें फोन करके इस संदर्भ में जानकारी दी, जिसके बाद फिरियादी ये अपने घर आए और घर में जाकर देखा तो सोने की चैन कीमत 20,000 रुपए, सोने का ब्रेसलेट कीमत 30,000 रुपए, सोने का पेंडेंट कीमत 15,000 रुपए, नकद 60,000 रुपए, सोने की अंगूठी कीमत 12,000 रुपए, फॉरेन करेंसी कीमत 40,000 रुपए, ऐसा कुल मिलाकर 1,77,000 रुपए का मुद्देमाल नहीं दिखा और किसी अज्ञात चोर द्वारा उसे चुराने की शिकायत उन्होंने इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले में कार्रवाई की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शिवम और अप्याम मानकी और आरोपी कुणाल बने को गिरफ्तार किया व उनसे पूछताछ के दरमियान उनसे चोरी किए हुए मुद्देमाल से सोने के कुछ आभूषण, नकद पैसे और कुछ वस्तुएं ऐसे कुल मिलाकर 2,37,170 रुपए का माल जब्त किया है। बता दें कि चोरी के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और दोनों के खिलाफ इसके पहले भी चोरी, हत्या और सेंधमारी जैसे गुनाह दर्ज है। दोनों आरोपी है, जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड है, फिरियादी है, तर फिरियादी हे त्यांच्या वडिलांचे निधन झालं म्हणून याला छत्तीसगडला त्यांच्या मूळ गावी गेलेले होते। तर दरम्यान ह्या दोघांनी राहुल राजेंद्र भगत म्हणून फिर्यादी आहेत, तर त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये 30/4 रात्री त्यांनी ते घर फोडलं, पण तिथं सी सी टी व्ही असल्यामुळे आपल्याला त्या आरोपींचे एक हुलिया भेटला आणि त्यावरून आपण हे रेकॉर्डवरचे आरोपी आणि आपल्या डी पी पथकाने त्यांना इंटरॉगेट केलं आणि मग त्यांनी कबुली दिली। तर गुन्ह्यातला गेलेला बराचसा माल मुद्देमाल जो आहे, जसे सोन्याची चैन आहे, सोन्याची कँडल आहे, नगदी आहेत 18,200 रुपये, फॉरेन करन्सी आहे, त्यामध्ये 3-4 देशांचे करन्सी आहे, असा 2,37,170 रुपयाचा मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।